नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC GD की रिक्वायरमेंट के बारे में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। ब्राउजर पर सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सिंपली सर्च कर देना है सरकारी रिजल्ट। जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको फर्स्ट लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप डोमेन नेम चेक कर सकते हो, .com ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर दिए गए एड्स को क्लोज करते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको तीन कॉलम दिखाई देंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में फर्स्ट नंबर पर ही शो कर रहा है SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर सिंपली आपको फर्स्ट नंबर के लिंक पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरीके का एक नया टैब खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए ऑनलाइन फॉर्म्स की, तो यहाँ पर 27/10/2022 से इसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि 27 तारीख से। और यहाँ पर 30/11/2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, मतलब कि पूरा एक महीना है अभी आपके पास आवेदन करने के लिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट की बात की जाए तो जनवरी में इसके एग्जाम होंगे, और जनवरी से पहले पहले ही यहाँ पर इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। फीस की बात की जाए तो जनरल OBC EWS की 100 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट की यहाँ पर 0 और ऑल फीमेल कैंडिडेट की 0 फीस रहने वाली है। अगर जनरल OBC EWS के कैंडिडेट हो तो इस फीस को आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चालान किसी माध्यम से पे कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे की तरफ और आते हैं तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट दी गई है SSC GD के लिए 18 से 23। यहाँ पर दोस्तों अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 24,369 टोटल वैकेंसी। दोस्तों वैकेंसी का बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहो तो आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर किन किन टाइप्स की यहाँ पर वैकेंसी है फोर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडिविजुअल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ITBP, यहाँ पर असम राइफल और यहाँ पर SSF, NCV जैसी कुछ फोर्सेज हैं जिनमें अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट दी गई। और यहाँ पर मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकोगे। इसके बाद कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है किस कैटेगरी में कैसे क्या वैकेंसी है। इसके बाद देखिए दोस्तों फिजिकल की बात की जाए तो यहाँ पर हाइट, मेल हाइट और फीमेल हाइट, यहाँ पर सारी डिटेल दी गई, रनिंग कितना टाइम का है, पूरी यहाँ पर आपकी फिजिकल की जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही फिजिकल होगा अगर क्वालिफाई कर जाती हो एग्जाम तो, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ जरूरी लिंक देखने को मिलते हैं, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का बटन दिया गया है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन बनाना है। अगर इससे पहले कभी आपने SSC का फॉर्म डाला था तो यहाँ पर आपका यूजर ID और पासवर्ड होगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर लॉगिन करके भी डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर पहली बार SSC का किसी भी आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नया यूजर क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और लिंकें दी गई हैं, जैसे कि हाउ टू फिल फॉर्म वीडियो हिंदी, तो यहाँ पर आप हिंदी में इस वीडियो को देख सकते हो, यूट्यूब की लिंक पर पहुँच जाओगे जिसमें बताया कि इस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाउ टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर दो स्टेप है ना, एक रजिस्ट्रेशन का, एक फॉर्म भरने का। तो फॉर्म आपको लॉगिन करने के बाद भरना होता है, तो यहाँ पर उसके लिए भी अलग प्रोसेस बताया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद सिलेबस की लिंक भी दी गई है, डाउनलोड करने की PDF मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप फोटो सिग्नेचर को अपने पिक्सल वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो। डायरेक्ट लिंक दी गई है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की, एक वेबसाइट दी गई है सरकारी रिजल्ट 2, तो वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। इसके बाद ज्वाइंट टेलीग्राम की लिंक भी है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर दी गई वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।